मैं प्रसन्नजीत वेस्ट बंगाल से। मैं इससे पहले मैं आपको बताया था मछली को कैसे भेजने से पहले कैसे पैकिंग करना है जिसमें आपका मछली का मोटरेगी नहीं होगा और उसको लो डेंसिटी में भेजना चाहिए। तो सचिन छत्तीसगढ़ का वीडियो मेरा सामने अभी आया, जो इससे पहले का जो मैं वीडियो दिया था मछली को सैनिटाइजेशन करके उसको मेडिसिन देके 24 आवर्स रख दिया, उसका बाद पैकिंग करके उसको सेंड किया है। तो बहुत ही लोग को कहना है मछली मिलने का तो मिलने का टाइम 10% 15% आपको मोटरेगी होगा, ये नॉर्मल है और 15-18 घंटे से ज्यादा पैकिंग नहीं होता है। देखिए भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है, पैकिंग 72 आवर्स तक होता है और जो पैकिंग कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मछली फ्लाइट में जाता है एक बॉक्स में 1000 पीस करीब एक पकड़ लीजिए 1000 पीस जा रहा है, 450 से 500 रूपये एक बॉक्स का चार्जेस होता है, उसका मिनिमम क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। वो भी मछली अगर ट्रेन में जाता है तो बहुत ही लोग डरता है जब मेरा मोटरेगी की 20% 30% 40% हो सकता है, मगर ऐसा बात नहीं है। जो आपको भेज रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, एक फ्लाइट में जो बॉक्स आपका 500 रूपये पड़ता है तो वही जो ट्रेन का बॉक्स होता है उसका डबल साइज का होता है, मतलब एक पैकेट में जो 1000 पीस जाता है वो दो पैकेट में 1000 पीस जाएगा और उसका आपका जो शिपिंग चार्ज पैकिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग मतलब आपका नियर रेलवे स्टेशन तक उसका चार्जेस रहता है 300 से 350, ज्यादा होने से 300 का अंदर भी हो जाता है। तो इसमें पहला गाउट में क्लियर कर देता हूँ, मछली नहीं मरेगा। अच्छा बंदे से अगर मछली लेते हो तो जो अच्छे से सैनिटाइजेशन करके मछली को 24 आवर्स आपको पैकेट में रख देता है मेडिसिन देके, उसका बाद उसको रीपैकिंग करके मछली सेंड करता है। तो ऐसे ही मैं सचिन का जय माल सचिन को मछली भेजा था तो पहले उसका फीडबैक सुन लेता हूँ और उसको सैनिटाइजेशन में मैं बताया था उसमें कॉपर सल्फेट भी एड करने के लिए, क्योंकि जो आपको बताया गया था ना ठंडा का टाइम में, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है इसमें एक फंगल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसी टाइम आपको नमक और हल्दी का करना है और उसका साथ बात आपको पोटेशियम भी करना है, ठीक है, उसके बाद फेस वाटर में पहले बोला गया था। तो इसी टाइम क्या होता है ना, तो बहुत ठंडा का टाइम है ना, किसी जगह पे अगर मछली का चोट आ जाता है तो वहीं से क्या होता है साइपोलोगनिया पैरासिटिक बोल के एक फंगल है वहां पे इन्फेक्टेड हो जाता है, वो स्किन का थर्ड लेयर में चला जाता है। मछली आपको फेस दिखाई देगा मगर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा 4-5 दिन का बाद से। तो उसी लिए सबसे अच्छा है अगर मछली आपको सही लगे और मछली का साइज भी आपको सही लगे आप उसमें बायोफॉर्म में डाल सकते हो। पहले हल्दी नमक का पानी में 15 सेकेंड रखिए, उसका बाद पोटेशियम का पानी में 15 सेकेंड रखिए, उसका बाद कॉपर सल्फेट मतलब तूते का पानी में 15 सेकेंड रखिए, उसके बाद 2 बार फ्रेश वाटर में उसको साफ करके आप टैंक में छोड़ दीजिए और उसी दिन आपको खाना देना है 1 बार और वो भी बहुत ही कम खाना देना है क्योंकि वो भूखा है 2 दिन से। ज्यादा खाना देने से क्या होगा, कुछ मछली ज्यादा खा लेगा और उसका पेट फूल को मर जाएगा, ये आपको करना ही है, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ सचिन जो वीडियो भेजा है तो वो मछली उसको कैसे मिला और उसका साथ साथ जैसे सैनिटेशन करने के लिए बोला गया था वो ऐसे किया कि नहीं किया। थैंक यू। निकालो बोलो ना। वाह, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है सर, फिश एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश, मैंने ट्रेन से भी इतने फ्रेश फिश आ सकती है ये, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम। और जिनको डाउट है वो देख सकते हैं, ये हावड़ा से आया है, आज सुबह उतरा है 11 बजे, अभी ये फार्म में मैं इसको टेम्परेचर के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा देर ऐसे ही रहेगा फिर आगे का सैनिटाइजेशन प्रोसेस करेंगे। देखिए सर, जैसा सर लोग ने बताया था पहले हल्दी में डिप करना है
देख लीजिए पोटेशियम का यहाँ पे है और फिर ये कॉपर सल्फेट है फ्रेश वाटर, उसके बाद ये टैंक में जाएगा। 15-15 सेकेंड डिप कर लेंगे, तो बताया सर ने कि ये कर लेने से 60% हम सेफ हो जाते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, लास्ट में दो बार ऐसे डिप कर लेंगे फ्रेश में। बस अब इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए ही अच्छा होगा। थैंक यू।